बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर परीक्षा जितने भी छात्र देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए ये वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सेंटर लिस्ट और इंटर मैट्रिक अपना सेंटर अभी देख सकते हैं। फाइनल एडमिट कार्ड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें कि काफ़ी बार आपको ऐसे बता चुके हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा बोला गया कि सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है, और आपने ऐसे कई वीडियो देखे थे जिसमें कि आपको ऐसा बताया गया कि आपको देखिए सेंटर लिस्ट आ चुका है, आप अपना सेंटर लिस्ट और सेंटर नाम देखें। लेकिन आपने उस वीडियो के अंदर जाने के बाद आपको केवल जानकारी मिला, लेकिन मैं आज बता दूं कि आपका सेंटर लिस्ट के बारे में बिल्कुल परफेक्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा ये बिल्कुल तरह से बोला गया। मैं इसमें आपको बताऊंगा फाइनल एडमिट कार्ड के बारे में भी, क्या फाइनल एडमिट कार्ड आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अभी भी आप ये गलत सुन रहे हैं, क्या आप ये कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्या आप सेंटर लिस्ट अभी भी देख सकते हैं या फिर नहीं। चलिए आगे आपके सामने में लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यह सच्चाई है या फिर ये बात भी झूठी है। जैसे कि हमने अभी से एक दिन पहले आपको एक वीडियो दिए थे जिसमें हमने बताया था कि बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए तैयार किया गया है यह ऐप, यानी एक ऐप ऐसा तैयार किया गया जो कि आपके परीक्षा पर सेंटर पर कंप्यूटर रहेगा और हर परीक्षा केंद्र का जांच होगा, और एग्जाम होते ही सारे स्टूडेंट का कौन चोरी करते हुए पकड़ाए या फिर कौन एक्सपेल हुए, कितना कॉपी कहाँ चेक हुआ, कितना बच्चे एबसेंट हुए, ये सारे जानकारी जो है हर दिन बिहार बोर्ड को पहुंच जाएगा। इसके लिए वो तत्काल होगा ये जानकारी कि आपको वहां पे कंप्यूटर रहेगा हर परीक्षा केंद्र पर। तो हमने ये वीडियो बताए थे, इसी में आपको गाइडलाइन जारी किया गया था, ये चीज बताए थे, लेकिन हम अभी फिलहाल बात करेंगे आपका सेंट्रल लिस्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे यदि आपको बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए एग्जाम सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू है, यानी अभी तक आपने जो भी जितने भी वीडियो देखे हैं वो बिल्कुल तरह से गलत देखे थे, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड के द्वारा बोला गया है कि सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये बात सच था कि पहले आपको बताया गया था जिसमें बताया गया था कि 67 केंद्र है तो इतना केंद्र है, यानी केंद्रों की सूची बताया था कि इतना केंद्र इस बार बन सकते हैं पिछले बार से कम या फिर अधिक, लेकिन फाइनली जो बनाने की प्रक्रिया जो है अब आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि आपका ये बिल्कुल हो चुका है। अब आपको बता दें कि आप कैसे अपना सेंटर देख सकते हैं कि कहां आखिर आपको किस विद्यालय में पढ़ाए, काफी बच्चे का यही शौक होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब तक ये सेंटर लिस्ट बन ना जाए तब तक आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ नहीं सकता है, और आशा है कि आपका यहां पर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो आपको 20 दिसंबर तक बिल्कुल तरह से ये बनने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपका जो है फाइनल एडमिट कार्ड वो बिल्कुल तरह से 20 दिसंबर के बाद अर्थात जनवरी से पहले या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और इससे आज इस बार जो है आप लोग दिसंबर सॉरी यहां पे फाइनल एडमिट कार्ड अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपना सेंटर लिस्ट देख सकते हैं, सेंटर देख सकते हैं कहां है। फाइनल आप समझ चुके होंगे कि अभी केवल प्रक्रिया यहां पर चल रहा है सेंटर बनाने का, ठीक है, सेंटर जो कहां कहां पर किस विद्यालय का कहां रखा जाएगा यह प्रक्रिया अभी चल रहा है। जैसे कि आप लोग को विधि पता होगा कि यहां पर 17 से होगा मैट्रिक परीक्षा, वही 1 फरवरी से आपका इंटर की एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम के लेकर अगर आपकी तैयारी अभी भी ठोस नहीं हुआ है, अभी भी आपकी कमजोरी है, आप में कमजोर है, तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए। मैं आपको 100% आपको अच्छा नंबर 80% प्लस नंबर दिला के रहूंगा और बिल्कुल तरह से दिला भी दूंगा, क्योंकि मैं इससे जो भी गैस क्वेश्चन देता हूँ या फिर जो भी क्वेश्चन वायरल देता हूँ बिल्कुल करेक्ट देता हूँ, और आपको अभी तक अनुभव हो भी गया होगा कि आपके सेंटर परीक्षा में किस प्रकार से मिला और किस प्रकार से आप लोग ने छापे और किस प्रकार से बनाए। जो भी मैंने बताए थे गैस क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, ये गॉड ग्रेस कि हमारे गैस मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गॉड को भी और आप लोग को थैंक यू को जो भी लोग देखे थे वीडियो को, और यहां तक जिस बंदे वीडियो को देखे प्लीज कमेंट करके बताइए क्या आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर नहीं, क्या जुड़ना चाहते हैं या फिर नहीं, क्या आपको हम जो यहां पे डेली लाइव क्लास देते हैं वो चाहिए। चलिए सारी चीज की जानकारी आप हमें कॉमेंट में बताइए, अगर कुछ इस वीडियो में मिल गया जानकारी बच गई है तो वो हमें कॉमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।